नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार और मैं आपके साथ ज्योति राघव। फिल्म द लेडी किलर रिलीज हो चुकी है, लेकिन फिल्म का कत्ल हो गया है। बता दें कि यह फिल्म अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर की है। फिल्म 45 करोड़ के बजट में बनी थी, लेकिन इस फिल्म की कमाई इतनी कम होगी ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। आपको बता दें कि फिल्म का ऐसा हाल होने का कारण फिल्म का कोई प्रमोशन नहीं होना बताया जा रहा है। साथ ही फिल्म को ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज भी नहीं किया गया है और इसका असर फिल्म की कमाई पर देखने को मिला है। बता दें कि ट्रेलर रिलीज के 5 दिन बाद ही रिलीज करने का सबसे ज्यादा असर हुआ है। 29 अक्टूबर को इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था और 3 नवंबर को फिल्म चुनिंदा थिएटर्स में रिलीज कर दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म को जल्दबाजी में थिएटर्स में इसलिए रिलीज किया गया क्योंकि फिल्म के डिजिटल राइट्स पहले ही बिक चुके थे। ऐसे में मेकर्स के लिए इसकी OTT रिलीज अहम थी और इसकी डेडलाइन दिसंबर एंड तय की गई थी। थिएटर्स में 4 हफ्ते चलने के बाद OTT पर रिलीज होगी। मेकर्स के लिए इसकी डिजिटल रिलीज अहम थी, ऐसे में उन्होंने जल्दी रिलीज करने का फैसला किया गया। लेकिन इससे पहले 293 टिकट बिक चुके हैं और इसी वजह से द लेडी किलर का बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। बता दें कि पहले दिन इस फिल्म ने मात्र 38,000 रुपए का कलेक्शन किया है और अब तक 1,00,000 रुपए तक का कलेक्शन भी नहीं कर पाई है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार।